नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के 1100 करोड़ रुपए के चंदे को लेकर के एक और ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे, रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने कई नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, पुलिस को धमकाते हुए एक और BJP नेता को पकड़ लिया गया है, किस तरह से, इसकी भी खबर आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद शहीद का दिन, और इसी दिन जो है BJP नेता उमा भारती ने एक विवादित बयान देकर के एक बार फिर से इस मुद्दे को गर्मा दिया है, किस तरह से ढांचा गिराने पर उन्होंने, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया था उनको सैल्यूट करते हुए बड़ा बयान दिया है, इसकी भी आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के अंदर BJP ने अपनी ही सहयोगी पार्टी JDU के अंदर फूट डाल दी है। JDU के दिग्गज नेता के परिवार के बेटे को जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून के बाद देश भर में एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद BJP नेताओं ने जिस तरह से जनसभाएं करना शुरू की हैं, इसको लेकर के जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, आगे हम आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले BJP के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों, किस मामले पर, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ADR की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया दोस्तों। यहां पर ADR की रिपोर्ट में जो है 1100 करोड़ रुपए के चंदे का जो है खुलासा हुआ है, आपको हम खबर भी दिखा देख सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भाजपा और कांग्रेस सहित 19 राजनीतिक दलों ने 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के दौरान 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा स्टार प्रचारकों के विज्ञापनों पर जो है और उनकी यात्रा में लगाया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि भाजपा को यहां पर सबसे ज्यादा चंदा मिला है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान BJP को 611.69 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले, उसमें 252 करोड़ रुपए ही BJP ने खर्च किए। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को 193.77 करोड़ रुपए मिले, जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो है 114 करोड़ रुपए DMK को मिले हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ओमिक्रॉन यानी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के 6 राज्यों में देश की केंद्र सरकार ने अब एक बार फिर से नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो रही है दोस्तों। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो है सामने आने के बाद सरकार हरकत में आ गई है। केंद्र सरकार इस मामले पर राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और मामलों पर करीबी नजर रख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को 6 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के मामलों में आगाह किया है, साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ साथ बताया जाए कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और उसके बाद महाराष्ट्र में भी कोरोना के बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर BJP नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी, आप इस खबर को देख सकते हैं। बोलता उत्तर प्रदेश की खबर के मुताबिक भाजपा विधायक नितिन अग्रवाल ने खुले मन से प्रशासन को धमकी दी है दोस्तों। हरदोई के जनसभा में भाजपा विधायक ने क्षेत्रीय राजनीति में भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ न देने पर दरोगा को थाने में नहीं रहने देने की धमकी
दे डाली है। भाजपा विधायक के ऐसे बयानों से पुलिस को अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे बयानों से भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कानूनी कार्रवाई में अड़चने पैदा करना स्वाभाविक हो जाता है। तो जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के नेता पुलिस को भी अपने जो है कहीं ना कहीं मुट्ठी में लेने की कोशिश में लग गए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले लोगों को बीजेपी की नेता उमा भारती ने सैल्यूट किया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 यानी कि आज का ही दिन था जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को जो है शहीद किया गया था। उस समय उमा भारती ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस दौरान उनका नारा था, श्री राम लला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उमा भारती उस दिन के बारे में क्या सोचती, इस बारे में उन्होंने आई एनएस से खास बातचीत में यह बात कही है। उमा भारती ने जब उस दिन के बारे में पूछा गया तो जब उन्होंने कहा कि आज मैं उस दिन को याद करती हूं तो मेरे सिर्फ एक इस जीवन का ही नहीं, मेरे हजारों जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ढांचे को गिराया उनको मैं सैल्यूट करती हूं। आप समझ सकते हैं बीजेपी की नेता। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार के अंदर बीजेपी ने अपनी ही सहयोगी पार्टी जेडीयू में फूट डाल दी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बेटे अमरीश ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ट्रंप के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई बड़े स्टार नेताओं के साथ वो काम कर चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ एक और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। 12 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान से करीब 1,00,000 लोगों के साथ इस आंदोलन की जो है नींव रखने जा रही, इस आंदोलन को शुरू करने कांग्रेस पार्टी जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी बीजेपी नेता अपने जो है आयोजन लगातार कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों ना तो इनके बीच किसी कानून का कोई खौफ है, ना इनको किसी लॉ एंड ऑर्डर का डर है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, वीडियो फुटेज भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करते लिखा है, मथुरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद भाजपा नेता का आयोजन बताता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की अभूतपूर्व बदहाली की जड़ में अनियंत्रित भाजपाई ही है। सरकार बताए कि अब इस भाजपाई अराजकता का संज्ञान कौन लेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं अमित शाह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह की ऑफिस से आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन जा रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है ताकि वो बीजेपी में शामिल हो। ये केजरीवाल की पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।